विराट व्यक्तित्व के वे धनी हैं, वे धीर हैं, वीर हैं, गंभीर हैं। और अगर मैं सचमुच कहूं तो स्वर्गीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी अजात शत्रु हैं। पक्षों प्रतिपक्षों उनकी कार्यशैली से सदैव प्रभावित रहा है। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि जो उनके पास राजनीतिक अनुभव की पूंजी है और जैसा व्यक्तित्व है उनका, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता। मुक्त संगो मतलब वो पक्ष और विपक्ष दोनों का ध्यान रखते हुए सदन का संचालन करेंगे, एक पक्ष के नहीं रहेंगे। अहंकार उन्हें छू नहीं गया और धैर्य की तो वे प्रतिमूर्ति है। लंबे समय से हमारा साथ रहा है, मैं कहूं जब से होश संभाल आए तब से मैंने कभी धैर्य खोते हुए उन्हें नहीं देखा और उत्साह से सदैव भरे रहते हैं, चाहे एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वाह हो या पार्षद से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री तक की, मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री तक की भूमिका। आप लोगों ने उस समय देखा होगा जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था, बड़े जोश में किसान नेता आते थे, लेकिन नरेंद्र सिंह जी जिस ढंग से मुस्कुरा के बात करते थे उनका सारा गुस्सा शांत हो जाता था और ठंडा करके वापस भेज देते थे। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि हमको भी जब जब जरूरत पड़ी, हम लोग साथ विधायक रहे, मंत्री रहे, संगठन का काम हम लोगों ने साथ साथ किया। और जब 2008 में विधानसभा का चुनाव आया तो किसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, जब ये विचार हुआ तो एक ही नाम समझ में आया कि नरेंद्र सिंह तोमर अगर अध्यक्ष बन जाएंगे तो सबको साथ लेकर समेट के चलेंगे। 2013 में भी वही हुआ। ये आपका विराट व्यक्तित्व है, फिर लगा कि नरेंद्र सिंह तोमर जी आ जाए। और अभी भी जब चुनाव का प्रबंधन कौन संभाले तो एक ही नाम हम लोगों के ध्यान आया, नरेंद्र सिंह तोमर। मुझे पूरा विश्वास है जो उनका विशाल व्यक्तित्व है, सबको साथ लेकर चलने का जो सोच और स्वभाव और व्यवहार है, उसके कारण वो विधानसभा में अध्यक्ष पद की गरिमा बढ़ाएंगे और अद्भुत संचालन इस सदन का करेंगे। समाज शत्रु च मित्रे चा तथा मान आप मानियो, शीतोष्ण सुख दुखेशु समाज संग विवर्जिता, तुल्य निंदा स्तुर मौनी संतुष्टो एन केन चिता, अनिकेता स्थिर मित्र भक्तिमान में प्रियो नरा। शत्रु और मित्र में समान, सुख और दुख में समान, मान और अपमान में समान, एक अद्भुत व्यक्तित्व है उनका। निश्चित तौर पर वो इस सदन की गरिमा बढ़ाएंगे और जिस ढंग से सुचारू संचालन करेंगे प्रदेश की जनता को भी लाभ होगा। सरकार तो अपना काम करेगी ही, लेकिन प्रतिपक्ष भी अपनी बात कहेगा। मैं एक बार फिर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और हमारे सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर के रूप में इतने दिन तक सदन का कुशल और सुचारू संचालन करके गरिमा बढ़ाई है, मैं उनका, गोपाल, श्री गोपाल भार्गव जी का भी अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं।